आज मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। सलमान खान है शाम, जो दुनिया के 10 अमीरों में से एक है। तुम्हारा सपना पूरा कर सकूं। बाय माँ। अपनी माँ को दिए वादे की खातिर वो एक हिंदुस्तानी बहू की तलाश में हिंदुस्तान निकल पड़ता है। अंकल, हिंदुस्तान में आज मुझे पहली बार हिंदुस्तानी सुर सुनाई पड़े। मैं भी आया। क्या बेटा? क्या बेटा? क्या बेटा जल्दी आना। क्या बेटा? वहाँ उसकी मुलाकात श्रीदेवी यानी राधा से होती है और वो उससे दिल लगा बैठता है। शाम। ओ मिस, कल रात मैंने आपका डांस देखा, आपको करीब से देखा, ऐसा लगा कि आसमान के चांद से टूटकर एक चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया है। यू आर ब्यूटिफुल, यू आर गॉर्जियस, यू आर फैंटास्टिक। ए मिस, अपना नाम तो बता दीजिए। अरे कुछ तो बोलो। दस किलोमीटर से पैदल चला चला के यहाँ तक ले आई, अब कहाँ तक ले जाना है, कुछ तो बोलो। लोग तो जन्म जन्म तक साथ निभाते हैं और तुम्हारे 10 किलोमीटर में ही जान निकल गई। जान आ गई, तुम्हारी आवाज सुनते ही जान वापस आ गई। अब बोलना शुरू किया राधा जी, तो ये बताओ कि तुमने भगवान के मंदिर में क्या मांगा? पहले तुम बताओ। मैंने मांगा तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, तुमसे शादी। तुमने क्या मांगा? तुम्हारा सर। हाँ, मैंने मांगा भगवान इस चिपको से मेरा पीछा छुड़ा दे। चिपको एंड मी? ए हिंदुस्तानी लड़की, जानती है तू इस दुनिया में सबसे सुंदर है। अच्छा श्याम, मैं चलूं? हमेशा आती हो जाती है, लेकिन घर कभी नहीं बुलाती हो। घर बुलाओ, मम्मी डैडी से मिलवाओ। जरूर मिलवाऊंगी। लेकिन कब? वक्त आने पर। ये वक्त कब आएगा? बहुत जल्द। वैसे मैं तुमसे कल मिलूंगी। अच्छा चलो। बाय श्याम। बाय। बाय बाय। रजा मुराद यानी सोहन सिंह को देखकर शाम को अपनी माँ को दिया एक और वादा याद आता है। यही तेरे दादी का हत्यारा है, जब तू हिंदुस्तान जाएगा ना तो इस भेड़िए को जरूर ढूंढना।
अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए शाम सोहन सिंह के घर पहुंचता है। मेरी मौत। हैंड्स अप। वरना गोली मार दूंगा। अब बताओ तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? इसलिए कि तुम मेरे बाप के कातिल हो। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूं? मेरी माँ ने। तुम्हारी माँ ने? तुम्हारे बाप का नाम? एसके मल्होत्रा, जिनका खून तुमने किया है। एसके मल्होत्रा? वो तुम्हारे पिता थे? लेकिन बेटे तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि मैंने उनकी हत्या की थी? सबूत? ये तस्वीर जो मरते वक्त मेरी माँ ने मुझे ये कह के दी थी कि यही तेरे बाप का कातिल है। अब कह दो कि ये तस्वीर भी तुम्हारी नहीं है। नहीं बेटे, ये तस्वीर मेरी नहीं बल्कि मेरे जुड़वां भाई सोहन सिंह की है। देखो, अगर अब भी तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो रिवॉल्वर है तुम्हारे हाथ में, उतार दो छह की छह गोलियां मेरे सीने में। नहीं सर, I'm sorry. अनुपम खेर है हसमुख। हसमुख ने राधा और उसके घर वालों को किडनैप कर रखा है और वो राधा को शाम के साथ प्यार का झूठा नाटक करके उससे शादी करने पे मजबूर कर रहा है ताकि बाद में शाम को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प सके। मगर मेरे ड्रामे में हीरो का डेथ सीन है मेरी जान। डेथ सीन? बकवास बंद करो। चला, तेरे इस खूबसूरत चेहरे को तेजाब डालकर इतना भयानक बना दूंगा कि मारे घबराहट के भगवान खूबसूरत चेहरे बनाना छोड़ देगा। इससे पहले कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए और इंसानियत की अर्थी उठ जाए, अपनी जिद छोड़, उससे शादी कर और फिर उसकी हत्या। वो लोग हमारी शादी होते तुम्हें मार डालेंगे। मार डालेंगे? हाँ। मुझे? कौन लोग मार डालेंगे? हसमुख और उसका बेटा। हसमुख अंकल और राकेश मुझे मार डालेंगे? ये तुम क्या कह रही हो राधा? हाँ शाह, उन्होंने तुम्हें एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनाया है। तुम एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हो, ओ ना? इसलिए तुम्हें एक बहुत ही फैंटास्टिक ड्रामे में एक रोमांटिक रोल करना है जिसका डायरेक्टर मैं हूं, हीरोइन तुम हो और हीरो शाम है जो दुनिया के 10 अमीरों में से एक है। तुम्हें अपनी अदाओं से, चंचल निगाहों से उसे अपनी सुंदरता के भंवर में डुबोना है, उसे झूठा प्यार करके सच्ची शादी करनी है और शादी के बाद उसकी हत्या करनी है। इस स्टोरी में तुम्हारा रोल बहुत पावरफुल है, इसलिए पैसा भी बहुत मिलेगा। मैं थूक तो ऐसे पैसों पर जो किसी का खून बहाकर कमाया जाए, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं ऐसा गंदा जलील नीच काम हरगिज नहीं करूंगी। नहीं करूंगी? कोई बात नहीं। बाप की मौत के बाद अपनी माँ और बहन की मौत देखना चाहोगी या वो करोगी जो मैं कह रहा हूँ? बोलो। अब तुम ही बताओ शाह, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ? अब मैं ये घिनौना खेल नहीं खेल सकती। खेल तो अब शुरू होगा जहाँ खून भी बहेगा और लाशें भी गिरेंगी और जीत होगी राधा और शाम की। शाम सोहन सिंह से मदद लेने पहुंचता है। मैं उस कमीने की रग रग से वाकिफ हूँ और उसके हर ठिकाने को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो चलिए सर, हमें राधा की मां और उसकी बहन को उस दरिंदे की कैद से आजाद करवाना है। हाँ अंकल, प्लीज हमारी मदद कीजिए। माँ, बेटे। स्तारक्यो आरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु। खुश रहो। मुबारक हो। मुबारक मुबारक। शादी की बर्बादी, मौत की वादी, सब कुछ मुबारक। यू ब्लडी बास्टर्ड। सर यही है वो कमीना राधा के बाप का कातिल। आप खामोश क्यों हैं सर?
तूफान आने से पहले बला की खामोशी छा जाती है शाम। ओह आई सी, तो जुड़वा भाइयों की कहानी एक फरेब था। वो तो इस कहानी का एक जबरदस्त मोड़ था, और अगर वो मोड़ तुम्हें पहले से पता लग जाता तो हमारी कहानी में गड़बड़ हो जाती ना भाई। ले जाओ इसे। हम जिवागो बोल रहे हैं, हसमुख को फोन दो। जिवागो साहब। हेलो डॉक्टर, खोल दो पट्टियां। यस सर। डॉक्टर लाइट्स ऑन करो। इसका एक हमशक्ल है, श्याम, श्याम फ्रॉम लंदन। मैं उस श्याम की जगह इस घनश्याम का इस्तेमाल करूंगा, उस श्याम की हत्या करूंगा और उसकी जगह इस घनश्याम को बिठाकर उसकी सारी दौलत पे ऐश करूंगा। श्याम मेरी आंखों के सामने गाड़ी में जलकर राख हो गया था। बब्बर ठीक कहता है, अगर श्याम बच भी जाता तो उसके जिस्म पर कहीं ना कहीं जलने या चोट के निशान जरूर होते, और फिर इतनी जल्दी वो जिवागो को कैसे बुला सकता था। ये जरूर घनश्याम है जिसे जिवागो ने श्याम बना दिया है। तो इसका मतलब हमें दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। आ मेरे साथ। अगर तू कल स्टेज पर नहीं नाचेगी तो अपनी माँ और बहन की अर्थी के आगे नाचना, समझी? चलो। देखो अगर वो घनश्याम है तो राधा से मिलने कभी नहीं आएगा, और अगर वो श्याम है तो राधा से मिलने जरूर आएगा, और जैसे वो उससे मिलने आएगा हम सब उसे गोलियों से भून देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ से श्याम राधा को भगा ले जाता है। जिवागो के साथ गद्दारी करने वाले को दौलत नहीं मौत मिलती है। अब हम हसमुख के प्लान के मुताबिक चलेंगे। उसने असली श्याम को खत्म कर दिया, अब हम नकली श्याम को खत्म कर देंगे। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है जिवागो, तुम्हारी पिस्टल की सारी गोलियां यहां पर है। आज तेरा आखिरी वक्त आ गया है। थैंक यू हसमुख। हमने सब कुछ सुन लिया जिवागो साहब, और हम आपकी शराफत के कायल हो गए। अब शाम की दौलत के हम सब बराबर के पार्टनर्स होंगे। तो फिर हमें जल्दी ही लंदन चलने की तैयारी करनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं शाम का बदनसीब फादर इन लॉ होने के नाते आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने शाम की विधवा राधा को मान सम्मान दिया, उसे शाम की कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। चकमा देकर शाम वापस लंदन आता है और अपने दुश्मनों से बदला लेता है।
पिताजी के हत्यारे, आज मैं इनके खून से तेरे दूध का कष्ट। नहीं शाम, नहीं, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। इंसान चाहे जालिम हो या मासूम, वो अत्याचार करने के लिए बंदूक उठाए या अत्याचार मिटाने के लिए कानून की नजरों में मुझे बन जाता है। तुम इनका गंदे खून से अपने हाथ मैले मत करो। जिबागो साहब, ये हमारा दुश्मन है। जिबागो साहब, खत्म कर दो हमारे दुश्मन को, खत्म कर दो इसको। ये तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम लोग इसका दुश्मन हो, और मैं हूं कानून का मुहाफिज, कानून का रखवाला, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शत्रुघ्न सिन्हा उर्फ जिबागो। पुलिस? जिसने आज तक तुम जैसे मुजरिमों की टोली में शामिल होकर न जाने कितने गिरोह को जेल के काल कोठरी में ठोस दिया। मैं चाहता तो तुम लोगों को हिंदुस्तान में ही गिरफ्तार कर लेता, लेकिन राधा की बहन और उसकी मां को जिंदा हासिल करना था, इसलिए तुम लोगों को लंदन तक लेकर आना पड़ा। थैंक यू मिस्टर सिन्हा। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया, अब वक्त आ गया है तुम लोग अपना फर्ज निभाओ। ऑल द बेस्ट। और इस तरह शाम अपनी माँ को दिया वादा पूरा करता है और हिंदुस्तान से अपने लिए एक चांद का टुकड़ा लेकर आता है। बिल्कुल वैसे है ना जैसे तुमने सोचा था। मैंने देखे लाखों मुखड़े, ना देखा तेरे